हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की क्लास 9th की वर्कशीट मिलती है ना, और क्वेश्चन ऑफ द डे मिलती है, तो जो 19 अक्टूबर की वर्कशीट है वो हम करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट बता दिया। साथ के साथ ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से और आरडी शर्मा से कर रखा है, तो आप वहाँ से भी इन चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे हम एक पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करते हैं, देखो स्टार्टिंग अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, लेट्स चेक से करते हैं क्योंकि हमारे इसके बेसिक्स क्लियर हैं, हमने चैप्टर पूरा कर रखा है। जीरोस का मतलब है वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू को पुट करो कि जब आप उस पॉलीनोमियल को सॉल्व करो तो आपका आंसर जीरो है, ये होता है ना। तो चलो यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है, पी एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स माइनस टू। एक बार आपने एक्स की जगह यहाँ पर जीरो पुट करके देखा तो आपका आंसर आ गया माइनस का टू, तो ये तो इसका जीरो नहीं है, इससे आंसर माइनस टू आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पर सेम ही पॉलिनोमियल है, अब एक्स की जगह वन को पुट करके देखो तो वन माइनस का टू आ जाएगा, आंसर अभी भी माइनस का वन आ रहा है। तो जीरोज वही होता है जिससे आपका पॉलिनोमियल वैल्यू जो है पूरी वो तो जीरो बन जाए, ये भी इसका जीरो नहीं। अब फिर यहाँ पर ये पॉलिनोमियल एक्स माइनस टू अगेन, अब एक्स की जगह टू पुट करके देखो आ रहा है ना जीरो, तो यही इसका पॉलिनोमियल का जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू। बताना नहीं है आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करके दिखानी है आपको, बट ये मैंने बेसिक उससे बता दिया कि फिर एक दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस, अब एक्स की जगह पर फिर से जीरो पुट की तो ये वाली टर्म तो जीरो बन गई फर्स्ट वाली, आंसर आ गया माइनस का टू, ये तो इसका जीरो नहीं हो, ये आंसर माइनस टू। सेम ही पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अगर मैं थ्री पुट करके देखूँ तो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो आ रहा है, ये इसका जीरो, अब एक्स इज इक्वल टू थ्री जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? आगे आपको क्या दे रखा है, सिर्फ एक ट्राई और सेल्फ दे दिया आपको, इसमें पी जीरो पी वन और पी टू निकालना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे वाली वर्कशीट में। चलो जल्दी से इसको भी कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा है टू वाई क्यूब प्लस का फाइव वाई और माइनस का सेवन है। एक बार मैंने यहाँ पर जीरो पुट किया, तो जहाँ जहाँ वाई है ना वहाँ पर आपको क्या करना है, जीरो को ही पुट करना है, तो आंसर माइनस सेवन आ जाएगा, स्टार्टिंग की दो टर्म्स जो बन जाएगी। ठीक है, एक बार मैंने इसको क्या किया, वन पुट किया, तो ये आ जाएगा टू प्लस फाइव माइनस का सेवन, तो सेवन माइनस सेवन कितना हो जाएगा, जीरो। एक बार मैंने क्या किया, टू पुट किया, तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर टू जा एट, फाइव टू जा टेन हो जाएगा माइनस का सेवन, सिक्सटीन में सीधा थ्री प्लस कर दो नाइनटीन आंसर। जहां वेरिएबल है ना सिर्फ वो वैल्यू को पुट किया और कुछ नहीं किया। सेकंड पार्ट अगर हम यहाँ देखें, अब यहाँ पर वेरिएबल टी दे रखा है, कोई बात नहीं, टी दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, ए दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको वही जीरो वन टू ही पुट करना है। तो एक बार मैंने जीरो पुट किया, मेरा आंसर माइनस सिक्सटीन आएगा क्योंकि आगे की दो टर्म्स तो क्या हो जाएंगी, जीरो बन जाएंगी। एक बार मैं यहाँ वन पुट करके देख लेती हूँ, ये आ जाएगा थ्री माइनस का फोर माइनस का सिक्सटीन माइनस वन माइनस सिक्सटीन माइनस सेवनटीन आ रहा है। एक बार मैंने टू पुट करके देख लिया, अगर इसमें जीरो की बात करूँ तो ये वाला है, इससे ही आंसर पॉलिनोमियल का जीरो आ रहा है। तो टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर टू जा एट हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का ट्वेल्व, तो कोई सा भी नहीं है क्योंकि सब में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है जीरो की चीज। क्लियर हो गया, ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। फिर कहीं आपको लगता है कि दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं, प्लस चैप्टर एन सी आर टी से, आर डी शर्मा से, सब चीज़ अपलोड है, आप वो भी कर सकते हैं सेपरेट प्ले लिस्ट। थैंक यू।